Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of LCA lab is Norton theorem, and हमें एक circuit given है. ये है जी DC network का circuit. ठीक है, DC network है. इसमें DC battery लगी हुई है और आपके पास लगे हुए हैं 3 resistor. Target आपका ये है कि आपने load current find out करना है. 10 किलो में से कितना current find out कर रहा है utilizing the Norton's theorem. अच्छा, तो हमने क्या करना है, हमने लोड करंट फाइंड आउट करना है यूटिलाइजिंग द नॉर्टन्स थ्योरम. अब नॉर्टन्स थ्योरम में हमने लोड करंट फाइंड आउट करना है, तो लोड करंट फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है नॉर्टन थ्योरम में, दैट इज लाइक आई एन नॉर्टन करंट इनटू नॉर्टन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नॉर्टन रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस, मीन दैट यू हैव टू कन्वर्ट योर सर्किट इनटू एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ नॉर्टन करंट as well as Norton resistance as well as Norton load resistance. अच्छा, तो अब हमने ये करना है find out. अब इसका मतलब है हमें अपने हमारे circuit में दो चीज़ें हमने find out करनी है, IN और RN, ये दोनों हमने find out करनी है. और मैंने यहाँ पे mention किया है कि Norton resistance का वही तरीका है find out करने का जो Thevenin resistance का तरीका है. ठीक है, यानी आपने load Thevenin में हमने देखा था कि हमने load resistance को open करके जो सर्किट में बाकी रेजिस्टेंस थी उनके सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन को सॉल्व करके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट की थी, दैट वाज आवर थेवेनिन रेजिस्टेंस. सो द कैलकुलेशन ऑफ थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस इज एक्जेक्टली द सेम. नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है नॉर्टन करंट. नॉर्टन करंट फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेप है वो कह रहा है कि लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट करते हैं और फिर आप फाइंड आउट करें नॉर्टन करंट. अच्छा, हम कहते हैं कि ये हमारा सर्किट है गिवन 10 वोल्ट 1 किलो यहाँ पे है, 2.2 किलो यहाँ पे 10 किलो है. और नॉर्टन करंट फाइंड आउट करने का स्टेप ये है कि आप लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट करें. इसको आपने शॉर्ट करना है, इसका मतलब है कि आपने इसको ख़त्म कर दिया, ये आपकी शॉर्टेस्ट हो गई. अब आपका 10 वोल्ट में से करंट गया, 1 किलो में से गया, आगे यहाँ पे लगी हुई है 2.2 किलो और ये लगी हुई है शॉर्ट, कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल रिजल्ट्स यही कहते हैं कि करंट ने हमेशा शॉर्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करना है. उसको क्या ज़रूरत है 2.2 किलो में से जाने की, वो जाएगा 1 किलो के बाद शॉर्ट रेजिस्टेंस पाथ में से. तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है 10 वोल्ट और 1 किलो, तो हम ओम्स ना लगा के करंट फाइंड आउट करेंगे. नॉर्टन करंट हमारा आ गया IN इज इक्वल टू 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 किलो, तो हमारा नॉर्टन करंट आया 10 मिली एम्पीयर इज अवर नॉर्टन करंट. फार्मूले को देखें जी, हमने नॉर्टन करंट फाइंड आउट कर लिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, लोड रेजिस्टेंस की, रह गया हमारा नॉर्टन रेजिस्टेंस. नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का वही तरीका है जो थेवेनिन रेजिस्टेंस का है, यानी हमने 1 किलो 10 किलो को कर दिया ओपन और हमने अपनी वोल्टेज सोर्स को कर दिया शॉर्ट. करंट सोर्स होते तो उसको ओपन कर देते, शॉर्ट कर दिया. अब ये दोनों क्या बन गए, पैरेलल कम्बिनेशन में है ये. तो अगर ये हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में है तो हम इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गई जी, नॉर्टन रेजिस्टेंस का फार्मूला. दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करें, पैरेलल में दोनों को ऐड करें, तो 2.2 मेगा डिवाइडेड 3.2 किलो तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आई है दैट इज 687 ओम्स और 0.687 किलो. अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें लोड करंट की वैल्यू मिल जाएगी और आपने आखिर में नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ज़रूर बनाना है. नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आप किस तरह से बनाएंगे, ये आपकी बनेगी, यानी ये आपका करंट है. करंट हमारा कैसा आया, करंट हमारा आया पॉजिटिव, तो ये ऐसे हो गया और ये आगे जी नॉर्टन रेजिस्टेंस जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया. और ये किसके साथ पैरेलल में है, ये उसके साथ पैरेलल में है लोड के 10 किलो. और ये जो हमारी नॉर्टन आई है रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू है 687 ओम और ये हमारा वो करंट है मिली एम्पीयर में जाए. तो इस तरह ये आपका बन जाएगा नॉर्टन इक्विवेलेंट. अब देखिए इसमें आपने क्या किया है, लोड रेजिस्टेंस तो आपकी वैसे ही लगी हुई है, उसके अलावा आपने नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट किया है. ठीक है, नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करके नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ये बनाया और उसके लिए हमारी कैलकुलेशन थी. सो नॉर्टन जो है ये थेवेनिन से काफ़ी मिलता जुलता है. रेजिस्टेंस का तो फार्मूला बिल्कुल सेम है, करंट में आपने नॉर्टन में क्या करना है शॉर्ट करना है और थेवेनिन में आपने क्या करना था, आपने ओपन करना था. सो दिस वाज अबाउट अ वेरी ब्रीफ कॉन्सेप्ट अबाउट द नॉर्टन थ्योरम. इसको मैं मल्टीसिम पे आपको यही सर्किट सॉल्व करके आपको इसकी कैलकुलेशंस दिखाऊंगी कि हमारे करंट की वैल्यू इस तरह से आती है. तो जजाकल्लाह.